हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब आज जो आपका स्पेशली बीकॉम क्लास का टॉपिक बच गया था, जो सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर था उसका, तो उसके टॉपिक्स में स्टार्ट करा रही हूँ। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सॉफ्टवेयर होता क्या है? देखो, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को जब तक हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते तब तक वो काम नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के दो जो मेन पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो जिनको हम टच कर सकते हैं, जिन सिस्टम्स के पार्ट्स को, जैसे सीपीयू है, माउस है, मॉनिटर है, और सॉफ्टवेयर जिनको हम टच नहीं कर सकते, यानी वो हम कह सकते हैं इनविजिबल हैं, लेकिन सिस्टम के काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम कहेंगे दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के पूरक हैं ये। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किस में डालेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर सिर्फ एक डब्बे के समान है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, जो कि सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम पर बहुत सारे काम हम कर पाते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर काम करने में हेल्प करता है। गुड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब है उन्हें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इंस्टॉल कर सकते हैं कॉपी करके। अब ज़रूरत क्यों पड़ी सॉफ्टवेयर की? सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा, कंप्यूटर का एक बहुत अहम हिस्सा है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बूटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है सिस्टम में, जैसे विंडो होता है आजकल, वो बूट करता है। बूटिंग में वो चेकआउट करता है सारे डिवाइसेस प्रॉपरली कनेक्ट हैं या नहीं हैं। उसके बाद हार्डवेयर डिवाइसेस को काम करने में हेल्प करता है। हर हार्डवेयर डिवाइस जो भी हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे स्पीकर कनेक्ट किया तो स्पीकर के ड्राइवर हमें पहले सिस्टम में इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी स्पीकर काम करेगा। इसी तरह प्रिंटर है, प्रिंटर का भी ड्राइवर होता है। ड्राइवर वो होते हैं जो स्पेशली रिटर्न प्रोग्राम होते हैं, जो कि सिस्टम के ऑपरेशन को समझते हैं, उनको पहले सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी वो डिवाइस काम करती है। जैसे प्रिंटर का ड्राइवर है, वो इंस्टॉल करेंगे तभी प्रिंटर काम करेगा। तो उनको हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। कोई भी नई डिवाइस होती है उसको पहले हम इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, उसके बाद वो वर्क करेगी। तो हार्डवेयर डिवाइसेस के जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उन सब के ड्राइवर होते हैं, और वो ड्राइवर एक तरह से प्रोग्राम्स ही होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं। थर्ड वन है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए गए हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। जैसे कोई मिस्टेक होती है तो उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, इसको डीबगिंग बोलते हैं हम। क्लीन अप करते हैं जो जंक फाइल होती हैं, जो एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, कॉपीड फाइल्स होती हैं, उनको क्लीन कर सके। या फिर स्पेस है जो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर अगर भर गया है तो उसको सही कर सके। डाटा कंप्रेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर एंटीवायरस हम कह सकते हैं। जैसे सिस्टम जैसे ही रन करते हैं तो कोई भी हमारी डिवाइस है वो स्कैन होती है पहले, और उसमें वायरस चेकिंग होती है। तो ये सब प्रोग्राम्स हैं जो वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सही करते हैं। मतलब कंप्यूटर एक तरह से हमारा वायरस फ्री रहेगा, क्लीनअप भी रहेगा, और उसमें मिस्टेक्स भी, एरर भी नहीं रहेंगी। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा हार्डवेयर आता है, उसके बाद जो दूसरा सर्कल है उसमें है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कराऊंगी मैं अभी आपको, उसके बारे में है ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और दूसरा जो मैंने बताया कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं वो प्रोग्राम, यानी यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। और जो थर्ड वन सर्कल है उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन में अलग अलग एप्लीकेशन होती है यूज़र के अकॉर्डिंग, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या फिर डाटाबेस है, या फिर इंटरनेट को सर्व करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र है। ये एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं सारे, जिनकी हेल्प से हम सिस्टम पे काम कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।